हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टुडे वी विल स्टार्ट अवर लेसन नंबर 13, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। वन डे क्या होता है, एक बच्चा पूछता है मैम से कि मैम ल्यूनर, व्हाट इज ल्यूनर एक्लिप्स, क्या होता है उसमें। मेरी मम्मा ने कहा था कि परछाई जो है अर्थ की वो मून पर, चंद्रमा पर पड़ती है, तो क्या होता है ल्यूनर एक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो वो कहते हैं पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। द मैम सेज यस शी वॉज राइट, कि आपकी मम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सन मून सोलर सिस्टम और स्टार्स के बारे में, और आपको अब क्या कि दिन और रात कैसे होती है, कैसे सीजन्स होते हैं, अब आप क्या पढ़ेंगे मून के बारे में। अब ये आता है बेटा, यू ऑल नो दैट द अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑल द प्लैनेट्स एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, बट देर आर अदर स्मॉलर बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, दीज हेवनली बॉडीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आपको पता है अर्थ एक ग्रह है सोलर सिस्टम का, और वो क्या करते हैं, जैसे और दूसरे ग्रह हैं वैसे अर्थ भी क्या करती है, सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पर इसके अलावा भी कुछ ऐसी छोटी बॉडीज होती हैं जो हमारे ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उन हेवनली बॉडीज को हम कहते हैं उपग्रह या सैटेलाइट्स। और जो सन है जो मून है हमारा, वो क्या है, हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। अब आते हैं मून, द मून कैन बी सीन शाइनिंग इन द नाइट स्काई, इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट, इट डिसअपीयर्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज द ब्राइट लाइट ऑफ द सन, इट अपीयर टू बी द सेम साइज ऑफ द सन बट एक्चुअली द सन इज बिगर, इट अपीयर्स टू बी द सेम साइज एज इट क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। अब ये क्या कहता है बेटा, जो मून है हमारा चमकता हुआ हमें दिखाई देता है रात के समय, पर उसकी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती, उसकी खुद की रोशनी नहीं होती, वो किसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, किसकी रोशनी हम तक भेजता है, जो सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही होती है उसको वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और उसी की वजह से वो हमें चमकता हुआ नजर आता है। अब आप कहेंगे दिन के समय जो होता है वो भी, तब भी क्या होता है, सूरज की रोशनी के कारण हमें चांद जो है दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूरज की रोशनी क्या होती है, बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है, छुप जाता है। अब आप कहें सन जो है, सन और जो मून है उनका साइज क्या है, सेम नजर आता है, पर ऐसा नहीं है, सन बहुत बड़ा है एज कंपैरिजन विद द मून, मून से अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो। अब क्योंकि हमारे पास जो मून है वो हमारे पास है और सन हमारे से दूर है, इसीलिए मून हमें ज्यादा बड़ा नजर आता है, ठीक है, और सन के कंपैरिजन में। अब जैसे क्या होता है, अगर आप बहुत ऊंचाई पे खड़े हो और आप नीचे देखो तो आपको चीजें क्या होती हैं, जैसे आप मान लीजिए पहाड़ पर खड़े हो तो चीजें आपको ना वहां पे कार वगैरह अगर नीचे सड़क पे देखो तो बिल्कुल छोटी छोटी सी नजर आती हैं, क्या एक्चुअली में वो इतनी छोटी होती हैं नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो चीज आपके पास आती है कार, उनका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि पहले वो छोटी थी फिर बड़ी हो गई, नहीं, वो क्योंकि हमसे हमारे से बहुत ज्यादा दूर थी इसीलिए हमें छोटी नजर आ रही थी, और जब वो हमारे पास हुई तो वो हमें क्या आ गई, बड़ी नजर आने लगी। इसी तरीके से मून के साथ है, मून क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा पास है इसीलिए वो हमें बड़ा नजर आता है। कितना है पास, 384,400 किलोमीटर है हमारी पृथ्वी से। अब आते हैं सरफेस ऑफ द मून, मून इज एज ओल्ड एज द अर्थ, नियरली 4,500 मिलियन ईयर्स ओल्ड, कितना है पुराना, जितनी हमारी अर्थ है, लगभग 4,500 अरब वर्ष पुराना। अब क्या होता है बेटा, इट्स सरफेस इज मेड अप ऑफ द रॉक्स माउंटेन्स एंड प्लेन्स, किससे बने हैं, इसका जो सतह है ऊपरी परत है वो किससे बनी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं उस पे, समतल मैदान है, रॉक्स हैं उनसे बनी है। इस सरफेस हैज अ बिग राउंड एंड हॉलो क्रेटर्स, बड़े बड़े गोल हॉलो खोखले गड्ढे हैं वहां पर, जिन्हें वो क्यों बने हैं,
क्योंकि कोई भी बड़ा मेट्रो मेट्रोराइट्स जो होते हैं, जो उल्काएं होती हैं, वो जब इससे टकरा जाती हैं, तब क्या बनते हैं वहां पर अंतरिक्ष में जो उल्काएं हैं वो टकराती हैं, तब उन वहां पर क्या बनते हैं, बड़े गड्ढे हो जाते हैं। किसके अंदर? मून के अंदर। जो माउंटेन्स हैं मून के, उनको हम टेलीस्कोप्स की मदद से क्या कर सकते हैं, अर्थ से देख सकते हैं। किससे कवर है उसकी सतह? डार्क ग्रे डस्ट से कवर्ड है, ढकी हुई है। क्यों? वहां पर कोई भी जीवन नहीं है मून पर। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो वहां पर हवा है, ना पानी है, ना एटमॉस्फेयर है, ठीक है? तो इस वजह, जैसे हमारे अर्थ के पास है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर, इसीलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। अगर हम मून पर कुछ बोलते हैं तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि साउंड जो होती है वो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। अब हाँ, और अगर हमारे पास कोई मीडियम ही नहीं है तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी और हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अब टेम्परेचर, तापमान कैसा रहता है मून का? दिन के समय तो बहुत गर्म रहता है और रात के समय बहुत ज्यादा ठंडा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है बेटा। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि हमारे पास कोई भी वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। अब जो ग्रेविटी है मून की वो कितनी है? 1/6, यानी कि आपकी 6 गुना कम हो जाती है जितनी हमारी अर्थ की ग्रेविटी है उससे। अब मान लीजिए आपका अर्थ पर वेट कितना रह जाएगा, इसका मतलब अगर यहाँ पर आपका 60 kg है तो वहां जाकर आपका सिर्फ कितना रह जाएगा? 10 kg, ठीक है? दिस मीन्स कि अगर आपका 30 kg अगर अर्थ पर है तो मून पर आपका कितना रह जाएगा? 5 kg रह जाएगा। अब आता है मूवमेंट ऑफ द मून। द मून मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मून वैसे ही चक्कर लगाता है अर्थ के चारों तरफ जैसे अर्थ लगाती है सन के चारों तरफ। इट कम्प्लीट्स इट्स रिवॉल्यूशन इन 28 days और नियरली अ मंथ। ड्यूरिंग दिस रिवॉल्यूशन वी सी डिफरेंट फेसेस। अब कहते हैं मून कितने दिन लगाती है, जैसे हमारी अर्थ लगाती है 365 days, मून क्या करता है? 28 days लगाता है, नियरली एक महीना। और जैसे रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्वेशन करता है, ये रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ, हमें अलग अलग फेसेस देखने को मिलते हैं किसके? मून के। अब आते हैं हम फेसेस ऑफ द मून पे। वी नो दैट द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ व्हेन इट रिवॉल्व ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज विजिबल टू द अर्थ। जब मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होता है तो उसका सिर्फ एक ही हिस्सा हमें अर्थ से विजिबल होता है। और कौन सा हिस्सा? जिस हिस्से पर लाइट रिसीव करता है सन से, वही हमें ग्लो करता हुआ नजर आता है। अगर वहां पर लाइट नहीं है तो हमें डार्क नजर आएगा। इसी वजह से जो मून की है वो शेप कैसी होती है, हर दिन हमें बदलती हुई नजर आती है। और डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून हम क्या करते हैं, अर्थ से देखते हैं, जिन्हें कहते हैं हम फेसेस ऑफ द मून। जैसे Day 1 पर द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ, जो साइड, ये डायग्राम में देखिए, जो साइड हमारे अर्थ की तरफ है, ये जो हिस्सा है उस पर लाइट नहीं पड़ रही। लाइट नहीं पड़ेगी तो वो हिस्सा हमें दिखाई, हमें मून दिखाई नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं हम न्यू मून। अब जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं तो कुछ हिस्सा हमें दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रिसेंट मून। जब और हिस्से को लाइट मिलने लगी तो वो बोलता है फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून। जब हमें आधे से ज्यादा मून दिखाई देने लगा तब हम बोलते हैं जिब्बस मून। अब जब पूरे हिस्से को लाइट मिलने लगी तब उसे बोलते हैं हम फुल मून। जैसे इसको बोलते जब हमें मून नहीं दिखाई देता तो अमावस्या, जब फुल मून होता है तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा। अब फिर वो फेज शुरू होता है कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है और अल्टीमेटली हमारा क्या आ जाता है, वापस न्यू मून आ जाता है। एंड द साइकिल रिपीट्स, गोज ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। दैट्स ऑल।